So we are at Chhatrapati Shivaji International Terminal for the very first time. Aur bhai, chumma. So hey guys, good morning. I don't know, morning bolu, night bolu, morning hi bolta hu. So it's 2:45 AM in the morning and सुबह का फ्लाइट कभी नहीं लेना चाहिए कहीं भी जाने का. मेरे को इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना, आई कांट इवन रिकग्नाइज इफ दिस इज रियल और नॉट. सो एग्जैक्टली इन द नेक्स्ट 3 hours 25 to 40 minutes आई हैव टू लीव फॉर बैंगलोर फॉर अ वर्क ट्रिप जो यूट्यूब की वजह से मेरे को मिला है. ये कब कैसे क्यों मेरे को मिला, मैं अपने मेन चैनल पे एक प्रॉपर स्टोरी टाइम वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा. बट एनीवे, अपना सब सामान वगैरह रेडी है. वो जो बैग है, दिस इज द बिग बैग दैट आई एम गोइंग टू टेक. ऑलमोस्ट एक हफ्ता 8 दिन का ट्रिप है, तो मैं आपकी बहुत बड़ा बड़ा बैग ले रहा हूँ. एंड दिस इज आवर फेवरेट बैग जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स वगैरह रहेंगे. तो बारिश तो एकदम कम हो गई लेकिन थंडरिंग अभी तक हो रही है. दैट मीन्स कि बारिश और आएगी. बट ये सब के अंदर यू नो आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि जब मैं फ्लाइट में बैठूंगा और फ्लाइट जब ऊपर जाएगा वहां से क्या व्यू होने वाला है, ये अच्छी चीज है. तो जैसे मैं अपने घर से निकला बारिश एकदम कम हो गई एंड जैसे मैं नीचे पहुंचा बहुत जोर से बारिश आना चालू हो गई भाई. So we are at Chhatrapati Shivaji International Terminal for the very first time. Aur bhai, chumma. कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये, बाप कसम. टर्मिनल वन इसका आधा भी नहीं होगा. बॉस दिस इज अ ह्यूज एयरपोर्ट मैन एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस प्लेस. इट्स क्रेजी. आई एम सो ग्लैड यार अभी सारी फ्लाइट यहाँ से कर दी है. इट इज फर्स्टली सो ब्यूटिफुल, सो वेल मेंटेन्ड एंड सच अ नाइस प्लेस. मैं हमेशा ये व्लॉग्स मूवीज वगैरह में देखता था, पहली बार हूबहू देख रहा हूँ ना. इट्स फीलिंग रियली रियली गुड मैन. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे व्लॉगिंग का कुछ इशू नहीं, यू कैन व्लॉग द वे यू वॉन्ट. तो अभी मैं जाता हूँ, अपना फ्लाइट जो है वो इंडिगो का है, 6 बजे का है. इंडिगो स्ट्रेट राइट. तो आज है ना, मैं अपने आप से एक चीज तो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि लाइफ में इतनी मेहनत करो कि यहाँ पे बार बार आने का मौका मिले. बिकॉज दिस एयरपोर्ट इज वर्थ यार. It's a total of 10.8 kgs. तो हो गया बॉस अपना चेक इन. देव भाई आ रहे थोड़े टाइम में एंड दिस टाइम मेरे को बोर्डिंग पास नहीं दिया, मेरे को खाली इतना सा ही टिकट दिया एंड आई हैव टू शो माय मोबाइल बोर्डिंग पास. तो भाई अपने को जाना है 43B 1 level down. अच्छा अभी इधर कैसा सीन है ना, दैट यू हैव टू आइदर शो योर कोविड का रिपोर्ट जो नेगेटिव है, फर्स्ट डोज का खाली सर्टिफिकेट दिखा सकते हो. दैट इज द मेन रीजन मैंने अपना वैक्सीनेशन करा के लिया, बिकॉज बार बार ये टेस्ट कराने का झंझट नहीं. बिकॉज बैंगलोर पे भी पूछे गए, अभी वापस आते टाइम भी पूछे गए, इतना लोड लेने का नहीं लाइफ में. आई सीन ऑल दिस इन मुंबई के निखिल ब्लॉग और आज मैं खुद ये सब ब्लॉग कर रहा हूँ. भाई तरक्की तो हो रही है, कुछ भी कह लो, सक्सेस तो आ रहा है धीरे धीरे. बस टच वुड ऐसे बढ़ते रहे आगे और एक दिन आएगा इंटरनेशनल जाएगा, अपन आएगा बहुत जल्द आएगा. सो इफ यू आर अ ब्लॉगर यू विल अंडरस्टैंड माई पेन. एक ब्लॉगर के साथ है ना बहुत सारा मेटेलिक चीज होता है जो आपको एयरपोर्ट पे निकालना पड़ता है. अब की बार मैं लैपटॉप भी लेकर आया हूँ, तो लैपटॉप, फ़ोन, कैमरा, घड़ी, जो हालत ख़राब हो गई ना, एक तो सोया भी नहीं होना सही से, तो बहुत नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा. तो आज हमारे साथ हमारे एक्टर आए. हेलो सर, फर्स्ट टाइम. तो देखो लाइट मिल रही है इधर, लाइट अरे मस्त आ रहा है. मेरे को लगा आपका जाएगा अभी, फ्लाइट मिस होएगा. मेरे को भी वही लगा था, फ्लाइट जाने वाला. बच गए वरना अकेले जाना पड़ता. और ये पहन के मेरे को बैठना पड़ेगा अभी, ये नहीं करना था मुझे. दिस वॉज द ओनली थिंग आई डिडंट वॉन्ट एंड आई गॉट दिस.
ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी बादल तो दिखेंगे बट कम दिखेंगे. द फ्लाइट इज फुल एंड जस्ट लुक एट द पब्लिक. मेरे को लगा था खाली रहेगा यार, मेरे को भी लगा खाली रहेगा. सुबह सुबह कौन जाता है बैंगलोर? बहुत ज्यादा पब्लिक है और सबको बैंगलोर जाना है. क्या ऐसा क्या हो गया रहा है बैंगलोर में? सबको बैंगलोर जाना है भाई, कोई दूसरी जगह भी जाओ यार. बट बॉस दिस एयरपोर्ट इज क्रेजी. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर ना तो आपका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है. T1 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस. छोटे सा एकदम T1 इज लिटरली नथिंग. दिस इज लाइक अ मार्वल, लाइक एन इंजीनियरिंग. वेरी नाइस. एयरपोर्ट अपने आप में सिनेमैटिक है. गोवा यहाँ पे एंड एक केरला 2 साल पहले गया था, वो पेरेंट्स के साथ गया था. अकेला सेकेंड टाइम आया. मेरा उधर ही बेंगलुरु एयरपोर्ट. और भाई बारिश तो आ रही है. सो गाइज वन प्रो टिप, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट वैक्सीन लेके ट्रैवल करो. बिकॉज हर बार वो कोविड का टेस्ट कराना इज नॉट यू नो फीजेबल. एंड यहाँ पे भी पूछा मैंने, मुंबई में भी आप लोगों को बोला था. अब वापस यहाँ पे जब हम रिटर्न आएंगे तभी भी पूछेंगे और मुंबई में भी पूछेंगे. तो बेसिकली एक ट्रिप में आपको 4 बार पूछा जाएगा. तो इफ़ यू हैव द वैक्सीन बेटर है, बेस्ट है. द बेस्ट पार्ट ऑफ एयरपोर्ट जर्नी, ऐसा बैग जाता है ना, मज़ा आता है मेरे को. और मेरा पहला ही आ गया तो बहुत अच्छा लगता है. भाई होटल का नाम देखो, बफेलो वाइल्ड विंग्स. तो यहाँ का अगर मैं आप लोगों को अपडेट दूँ, इट इज़ वेरी कोल्ड. देव भाई कितना ठंडा लग रहा है यहाँ पे. विंटर जो मुंबई में हम लोग को मिलता है नहीं. मुंबई में हुआ तो या तो एकदम ही बारिश होएगा या तो एकदम ही गर्म होएगा. हाँ चिप चिप सबसे ज्यादा. यहाँ पे चिप चिप भी नहीं लग रहा है. ह्यूमिडिटी है बट फिर भी इट्स नॉट इतना ज्यादा चिप चिप. ओला जोन राइट में. हाँ बुक कर दिया है, 9:24 तक है. ओला इज इन राइट. राइट नाउ इट इज़ 8:45 AM और हमारा जो होटल है उसका ब्रेकफास्ट इज स्टिल 10 AM और यहाँ से हमको पहुँचने को 1 घंटा लगेगा. व्हाट डू यू थिंक, आज हमको ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं? मिलना चाहिए भाई, बहुत भूख लगा. मिलना तो चाहिए. अंकल बुलाओ यार. ब्रेकफास्ट मिल गया. तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है हमारे रूम के अंदर. और भाई साहब आई लव दिस रूम ऑलरेडी. ऑलरेडी मतलब चेक इन तो कर लिया, ये खाली अभी आप लोगों को दिखाने के लिए. सबसे पहले आता है अपना ड्रेसिंग टेबल. तो एक मिरर इधर और एक मिरर इधर, तो दोनों जगह अपन अपने आप को देख सकते हैं. फिर आता है बाथरूम. अब बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाथरूम इज द बाथटब. अब नहाने को तो बहुत मजा आएगा. नेक्स्ट इज दिस नाइस स्मॉल कोजी रूम. अकेले रहने वाला हूँ मैं अगले 5-6-10 पता नहीं कितने दिनों के लिए. यहाँ पे सोने का, वहाँ बैठ के वीडियो, अगर टाइम मिला तो वीडियो भी बनाऊंगा. एंड अगर मैं व्यू की बात करूँ तो इतना तो खैर अच्छा व्यू नहीं है, लेकिन लुक एट द क्लाइमेट. सारे वैसे क्लाइमेट के. एंड लाइटिंग देखो बॉस, अगर मैं इसको हटा दूं बरोबर से, देखो लाइटिंग देखो और बैकग्राउंड देखो. यहाँ पे बैठ के जो स्टोरी टाइम वीडियोस बनाने का मजा आएगा.
तो अभी ना मेरे को थोड़ा रेस्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मैं पूरी रात सही से सोया नहीं हूँ, फ्लाइट में भी एक घंटा सोया, तो अभी थोड़ा सर भी चढ़ रहा है मेरा, तो उठ के आई हैव टू गो फॉर द शूट और फिर आके व्लॉग एडिट करके आई एम प्लानिंग टू अपलोड इट टुडे ओनली, तो अगर आज ही आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आज नहीं तो कल तक तो आ ही जाएगा। तो सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, शुक्रिया, बाय।